अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुल मिरप की किचन में हाजिर हूँ मैं, और छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी इज़्ज़त में रखे, अल्लाह ताला सबको अपने अल्लाह ताला इज़्ज़त में रखे, अल्लाह ताला सब बीमारियों को दूर करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें। और ये छोटा सा ब्लॉक है, तो कराची से कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सोचा ये टंडो आदम के करीबी छोटा सा एक गांव है हसन जमील की गोट, तो मैंने कहा चलो यहाँ घूम कर आते हैं। तो यही बस जो उनकी ज़मीनें हैं उसके ऊपर छोटा सा इन लोगों ने एक तफरी का थोड़ा वो किया हुआ है, थोड़े बहुत जानवर रखे हुए हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं। तो कराची से मेहमान आए थे, उन्होंने ही कहा था कि चलो कोई जगह घूमने चलते हैं, कहीं गाँव का माहौल हो थोड़ा। तो हम लोग इधर से गुज़र रहे हैं, यहाँ से, और बहुत अच्छा लग रहा है, सब हैं साथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ले जी, ये इनका गेट आ चुका है, और हम लोग इधर इंटर हो गए अंदर। तो ये देखें, ये जानवरों के जैसे होता है ना फार्म हाउस की तरह, जैसे इस तरीके से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, घूमे फिरे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। ये म्यूज़ियम है छोटा सा, ये पार्क बना हुआ है, ये और ये शाम के टाइम फुहारे पानी के कलरिंग वाले होते हैं इसमें, लेकिन आज इन लोगों ने खोला नहीं है। तो ये हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये कि गांव का एक अलग सा माहौल होता है, और हरियाली चारों तरफ है, सब्जा हो रही है, तो किसी ने पिक बनाई है। ये इधर जानवर वगैरह हीरा नहीं खड़ा हुआ है, तो ये जानवर पाले हुए इन लोगों ने बस शौकिया, लोग आते हैं इंजॉय करते हैं। ब्रे कलर की बत्तख है, और चल चल के थक भी बहुत गए थे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर दूर पे बने हुए थे ये पार्क वगैरह। तो यहाँ कुछ पिक्चर वगैरह निकलवाई थी, पिक्स वगैरह बनाई थी, किसी ने वीडियो बनाई है, किसी ने कुछ। तो बस अब ये है कि इतना ही हम लोग घूमे थे, छोटा सा ब्लॉक है ये, और शाम भी होने वाली है, शाम की भी आमादे। तो बस अब ये है कि वापसी की टाइमिंग हो रही है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं इस टाइम यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग रवाना हो रहे हैं, गांव का तो एक अपना अलग ही माहौल होता है, और शाम के टाइम जो असर मगरिब के दरमियान जो एक दरख्तों में से जो खुशबू निकलती होती है दरख्तों की, वो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है दरख्तों की शाम के टाइम। तो अब ये वापसी हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो काफ़ी दूर दूर जगह पे इनकी ज़मीनें हैं, तो बस इन्होंने वो फार्म हाउस खुलवा दिया था कि इन लोगों की फैमिली आ रही है, तो हम लोग सब गए थे घूमने, मेहमान भी थे, तकरीबन दो गाड़ियाँ थी हमारी, तो हम लोग गए थे। तो ये सूरज भी देखें, ग़ुरूब हो रहा है सामने, और शाम का टाइम। तो ठीक है जी, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, गुल मिरप के चंद में इजाज़त दीजिए छोटी सी दुआओं के साथ, जा रहे हैं, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।